टू माई चैनल, वेलकम बैक टू ग्लिटर सी। मैं नबीना आपके साथ। तो आज का ब्लॉग बहुत ही डिफरेंट ब्लॉग होने वाले, इट्स वेरी एक्साइटिंग। कजिन्स आर कमिंग टू माई प्लेस। तो आज सुबह वीकेंड के दिन नॉर्मली आई डोंट गेट अप सो अर्ली, बट टुडे आई हैव गॉट अप लाइक एट 8:30 टुडे इन द मॉर्निंग। नाउ आई विल गो फॉर अ कॉफी एंड देन आई विल स्टार्ट माई हाउस होल्ड कोर्स, बिकॉज आई वुड बी क्रिएटिंग सम डिजर्ट्स आइटम फॉर देम एंड माई मॉम वुड बी टेकिंग केयर ऑफ द अदर पार्ट लाइक of pulao and chicken roast and all those things. So I'm not sure how many items I can be able to do, but I'll definitely try to make the most of it. And aap logo ko mere sath rehna hai, so that's why I'm making this video. So don't forget to like and don't forget to subscribe to my channel and stay tuned to me. सो ब्रेकफास्ट इज़ डन, अब लग जाते हैं एक के बाद एक। तो मेरा डिपार्टमेंट है आज डिज़र्ट बनाने का, बाकी सारा कुछ मॉम हैंडल करेगी। तो मैं पहले ये ताल, जिसे कहते हैं प्लम, इसको मैंने ले लिया फॉर द फर्स्ट डिश विच आई हैव टू मेक। बनेगा इससे तालेर फुरुली, हम लोग बंगाली में इसको कहते हैं तालेर फुरुली। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंड मोस्ट बींग लव्ड स्वीट डिश और डिज़र्ट यू कैन से, विच एवरी बंगाली वुड लव टू हैव। तो ताल जो ट्रेडिशनल टिपिकल ट्रेडिशनल बंगाली फूड है, तो इसको पहले इसका आउटर पार्ट्स बॉडी इसको ऐसे छील लेना है, फिर इसको सेपरेट करना है ऐसे थ्री पार्ट्स में। मतलब आई नो एवरी वन ऑफ यू विल नो अबाउट दिस, आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माई ग्रैंड मॉम, दादी से मैं सीखी हूँ। तो दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वेन एवर आई स्टार्ट डूइंग ऑल दिस थिंग आई रिमेंबर ऑफ हर। तो मैंने यहाँ पे गलती कर लिया, पहले इसको पानी में भिगो कर नरम करना है, फिर यू हैव टू डू लाइक टेक आउट द पल्प फ्रॉम इट, जो कि अभी मम्मी ने आके मुझे बोल के गई। तो ठीक है, अभी सारा तीनों से ही हम लोगों को ये ऐसे पल्प निकाल लेना है, फिर उसको अलग से प्रोसेसिंग करना है, एंड देन यू हैव टू मेक अ बैटर एंड देन यू हैव टू कुक। इट्स वेरी इजी, यू नो, जोक्स अपार्ट इट्स नॉट वेरी इजी, एवरीथिंग शुड बी इन प्रॉपर क्वांटिटी। उसमें हम लोग थोड़ा नारियल भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो तालेर फुरुली इज़ ऑन इट्स प्रोसेस। सुबह मैं ये पहले कर ली, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट, और ठीक तरह से फ्लफी नहीं होता है तो इट वोंट बी टेस्टिंग दैट मच ग्रेट। सो ऑन बिकमिंग इट ब्राउनिश काइंड ऑफ कलर, वी हैव टू टेक इट आउट इन एनी वेयर यू कैन कीप इट। सो आई हैव चूजन कीपिंग इट इन हॉट पॉट, एटलीस्ट इट वुड बी सॉफ्टर एंड देन। सो द नेक्स्ट जो मैं करने वाली हूँ वो है मलाई चॉप। तो इसका सारा क्लिप्स मेरे पास है नहीं, आई एम सॉरी, बट इफ़ यू वॉन्ट डेफिनेटली आई पुट अ रेसिपी वीडियो आउट ऑफ इट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कोई हम लोगों के घर में आता है, स्पेशली माई कजिन्स। मतलब फैमिली टुगेदर, नथिंग कैन रिप्लेस फैमिली टुगेदरनेस। तो इतना दिन बाद हम बाहर से आए हैं ड्यू टू दिस कोविड, सो कुछ भी मौका मिले तो वी विल सेलिब्रेट इट, इट्स लाइक दैट। तो नेक्स्ट जो है ये पार्टी शाप्टा है। पार्टी शाप्टा मुझे याद है, मेरा नानी का बहुत पसंद था पार्टी शाप्टा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ ट्रेडिशनल फूड आइटम्स बनाने का। मतलब यू कैन गो एंड बाय स्वीट्स फ्रॉम आउटसाइड, राइट, बट द वे यू विल मेक इट लाइक दैट लव विद एंड केयर, एज माई मॉम यूज टू से, दैट इज़ समथिंग एल्स दैट यू विल गेट ओनली इन योर हाउस, इन द फूड विच यू मेक एट योर किचन। तो मैं ये भी पार्टी शाप्टा हो गया, सब सर्विंग प्लेट में डायरेक्टली उठा ले रही हूँ। तो फिर जो प्लान था चिकन बनाने का, चिकन रोस्ट का, वो प्लान कैंसिल हो गया। अब होगा चिकन चाप क्योंकि चिकन चाप इसीलिए होगा क्योंकि मम्मी ने इसमें गलती से मसाला डाल दिया जो कि रोस्ट में नहीं डाला जाता है। तो दिस चिकन पार्ट आई नो इट बेटर, आई थिंक सो आई टुक दिस हैंड ओवर ऑन माई ओन। अभी बहुत देर हो गया, लंच कर लिए हम लोग। इन द मीन टाइम पापा ये फ्रूट्स बोल दे के गए कि ख़त्म करना है, बिकॉज यू नो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल ड्यूरिंग, स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम यू हैव टू ईट ऑल हेल्दी स्टफ्स। तो फिर लौट के आते हैं, ये है नारिकेल पीठा। सो नथिंग एल्स, कोकोनट स्टफिंग शुड बी देयर इनसाइड द राइस डो एंड इट शुड बी स्टीम्ड वेल। सो
ये फंडा भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड डूइंग एंड रिमेंबरिंग माई अबाउट माई दादी एंड नानी दैट डे द मोस्ट, बिकॉज दीज आर ऑल द थिंग्स विच आई लर्न फ्रॉम देम एंड नाउ दे आर नॉट हेयर एंड देयर ट्रेडिशन आई एम बींग कैरीड, सो आई फील लिटिल प्राउड। ओह माई गॉड, व्हाट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, आई एम गोइंग टू नॉस्टैल्जिक जोन अगेन। ओके, कमिंग बैक टू इट, नारिकल पीठा जो होता है वो मेरे बड़ों माँ को बहुत अच्छा लगता है, तो स्पेशली उनके लिए मैं बना रही हूँ ये। तो मम्मी उधर दूसरा कुछ काम, सब कुछ ठीक, मतलब टेबल्स एंड ऑल वो सब साफ कर रही थी। और ये है शेमोई काइंड ऑफ पीठे, आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम, बट लाइक दिस यू हैव टू मेक वन सैम्पल, माई मॉम क्रिएट एंड शो मी दैट यू हैव टू डू लाइक दिस एंड आई हैव डन दैट थिंग। तो अभी वो लोग कॉल कर रहे थे कि वो लोग आने वाले हैं, तो फिर मैं अपना ड्रेस निकाल ली एंड द ज्वेलरी दैट आई वुड बी वेयरिंग टूडे, सो आई हैव एडेड दिस रेड बैंगल्स एंड आई वुड बी ऑल रेडी। ओ वाओ, दिस इज़ ऑसम, नाउ माई ब्रदर हैज़ डन दिस लाइक मी। सो दिस इज़ आर टेबल जो जहाँ पे मैंने सारा खाना सर्व करने के लिए रख दिया है आफ्टर हीटिंग देम इन। सो स्टार्ट करते हैं, पहले ये तो है फूड बाउल, कुछ फ्रूट्स रख दिया, फिर यहाँ पे माचेर मूडो, ये है चिकन, देन टिकिया, देन मच विद दाल एंड देन दिस चिकन शॉप विच आई हैव मेड, देन पुलाव, देन सेवन काइंड एट काइंड ऑफ स्वीट डिशेज विच आई हैव मेड ऑल दिस पार्ट, दिस इज़ द मलाई शॉप, सो एवरी वन इज़ हेयर आफ्टर ईटिंग, लाइक वी हैव कम्प्लीटेड एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल। दिस इज़ अ स्वीट हार्ट ज़ायरा, से हाई टू ज़ायरा। नाउ एवरी वन इज़ देयर, ऑल आवर आंट्स एंड सारे लोग आए थे, कजन्स, काकी माँ और ज़ायरा। नाउ दे आर गोइंग ऑफ saying bye, so the day was very nice, it was very good, this is a get together. तो कुछ snaps ले नहीं पाई, I can't like think that I have taken only 5 or 6 snaps. तो ये कुछ कुछ snaps है यहाँ पे जो कि मुझे cousin से ही मिला, this is Samir my sweetheart and this was the look I created, I have a separate video, it would be coming very soon. So बहुत अच्छा कटा दिन, I like the day so much and I keep it as a memory, so I thought of creating that this vlog. Hope you like it all. Keep us in your prayers. Thank you. Bye-bye.